आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक की कुछ अपडेट्स के बारे में। अगर आप फेसबुक से अर्निंग करते हैं या करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो ये अपडेट्स आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक की कुछ 6 ऐसी अपडेट्स बताऊंगा जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो फेसबुक की जो सबसे पहली अपडेट है वो है जॉब्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप यूज़ करते थे फेसबुक और उसमें आपको जॉब्स के हवाले से टैब नज़र आता था, जिसके अंदर आप हर कंट्री की, हर सिटी की इस तरह से जॉब देख सकते थे और आप अप्लाई कर सकते थे, इस तरह से एक जॉब का टैब था, तो वो टैब अब ख़त्म होने वाला है। अगर आपने जॉब्स के रिलेटेड कोई अपडेट डाली हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप अपनी डाउनलोड कर ले, क्योंकि वो बिल्कुल परमानेंट ख़त्म होने वाला है। तो दूसरी अपडेट है न्यूज़ फीड के बारे में। आपके फेसबुक के अंदर एक टैब था न्यूज़ फीड के नाम से, तो अब उसका नाम चेंज होकर सिर्फ फीड हो गया। तो अगर आप कोई भी चीज़ इस तरह की या कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको आने वाले दिनों में फीड के नाम से दिखेगा, तो वो रिलेटेड होगा न्यूज़ फीड के बारे में। तो यहाँ पर तीसरी अपडेट है यहाँ पर फेसबुक पेज के रिलेटेड। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पेज की RPM डाउन हो गया है, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग भी कम हो रही है। तो अब आप लोग इसको सेट करने के लिए, टेम्परेरी एरर है, इसको सेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि आप अपनी जो वीडियो पब्लिश करते थे उसको आप एक तो शेड्यूल पे लगाओगे, दूसरा अगर आप प्रीमियम यूज़ करते थे वो प्रीमियम कुछ दिनों के लिए आप ख़त्म कर दो। नॉर्मल तरीके से वीडियो अपलोड होती है, आप उस तरह से उसको अपलोड करके शेड्यूल पे लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जिससे होगा क्या कि अगर आपके फेसबुक की वीडियोज़ पर एड वगैरह नहीं आते या प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी इस तरह से अर्निंग के रिलेटेड, तो वो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। तो चौथी यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो है रील्स के मुतल्लिक। जैसा कि अभी कुछ दिनों में फेसबुक ने एक न्यू ऑप्शन ऐड किया है जिसको रील्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है सिर्फ अभी तक 150 कंट्री के लिए अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्दी आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अपडेट आती जाएंगी ये बाकी कंट्रीज को भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो इससे अर्निंग कौन लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास आपके पेज पे इन स्ट्रीम ऐड और ओवरले ऐड अगर एक्टिव है, तो आप उसकी मदद से इस पे ऐड चला सकते हो और इससे अर्निंग कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ से ये अलाउ कर दिया जाएगा, आप ऐड लगा सकते हो अपनी रील्स की वीडियो पे। और पाकिस्तान और नेपाल में जैसे कि पहले बहुत सारे मसले होते रह गए फेसबुक के साथ कि वो हर चीज़ उसमें लेट आती है, तो आने वाले दिनों में क्या पता ये बहुत जल्द इसमें भी अलाउ कर दें कि वहाँ के भी क्रिएटर इसको यूज़ कर सकें और इससे अर्निंग कर सकें। तो इस पे वीडियो डालने की, जैसे पहले हम वीडियो वगैरह डालते थे उसमें प्राइवेसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हम वीडियो डालते थे कि किसी की वीडियो ना हो और आपका ओरिजिनल हो, किसी इस तरह से जो भी उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो आप उसके पेज से पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोग इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आपका फेसबुक पेज पहले से अप्रूवल है, आप पहले उसमें सिंपल वीडियोस पे ऐड चलाते हो, आपने रील्स वाली वीडियो ऐड की हैं और उस पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है, उन पे ऐड लगाने के लिए उस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोनेटाइजेशन वाले टैब में जाएंगे, बिजनेस फेसबुक ओपन करके उधर एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन के नाम से, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इन स्ट्रीम एड्स के नाम से आपको उसके नीचे ही ऑप्शन नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करते ही आपको सामने डैशबोर्ड पे एक सेटिंग के नाम से टैब नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक साइड से बार आएगी, उसके ऊपर सबसे पहला ऑप्शन जो होगा रील ओवरले के नाम से, और उसके नीचे वाली हेडिंग होगी एड शो के नाम से, तो वो वहाँ पे ऑफ होगा। आपने क्या करना है, सिंपल वहाँ पे सिंगल क्लिक से उसको ऑन कर लेना है, और इसके होगा क्या कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करोगे उसके ऊपर आप अपने एड्स लगा सकोगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको पांचवी अपडेट के बारे में। ये दरअसल एक अपडेट नहीं है, ये वैसे ही यूज़र जानना चाहते हैं आज के दिनों में कि अगर हम उस पर वीडियो अपलोड करें फेसबुक से अगर अर्निंग करें, तो हमें कितने व्यू पे कितने जो है डॉलर हमें फेसबुक देगा। इसमें क्या है कि 1 मिलियन व्यू, जैसे कि एक मैं टैब यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिलियन व्यू पे कितने मिल रहे हैं, 784 डॉलर आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास वीडियोस पे व्यू हैं 122K,
तो आपको मिलेंगे $35। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने व्यू पे कितने डॉलर फेसबुक देगा। तो अब कर लेते हैं लास्ट और छठी अपडेट के बारे में कि पाकिस्तान में फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं हम। तो जैसे कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो है उर्दू, तो उर्दू को फेसबुक वालों ने मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल में यानी डाल दिया है। कुछ दिनों में या आने वाले दिनों में ये भी हो जाएगा कि पाकिस्तान से भी हम अपनी वीडियोस को अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्त कमा भी रहे हैं लेकिन वो आप अपने जो है अकाउंट की टाइप्स वगैरह चेंज कर लेते हो इंडिया या यूएसए के थ्रू, इस तरह से आईपी वगैरह लगा के हो जाता है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं लेकिन लीगल तरीके से अभी आने वाले दिनों में अलाउ कर दिया जाएगा कि आप फेसबुक से पाकिस्तान में बैठ के पैसे कमा सकते हो। तो ये थी फेसबुक की कुछ अपडेट्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।